उसको बता दे कि ये ISI ब्रांडिंग है नहीं, यहाँ है बाकायदा ये ISI ब्रांडेड ही है। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए, ये देखिए, ये है इसका आपका ISI का हॉलमार्क, ठीक है, ये ISI ब्रांडेड हेलमेट ही है। सो इससे मुझे एक चीज़ याद आया कि आजकल YouTube में भी और न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ISI हेलमेट्स के अलावा बाकी सारे हेलमेट्स को बैन कर दिए है। बट कुछ कुछ लोग ऐसा समझने लग गए कि ISI हेलमेट्स के अलावा बाकी सारे हेलमेट्स बैंड है, मतलब कि और भी जो हेलमेट्स आते हैं, जैसे कि जो LS2 हो गया, आपका शिफ्टर हो गया, आपका HJC हो गया, और सोल हो गया, आपका AGV हो गया, और बाकी तरह तरह के और भी जो इम्पोर्टेड हेलमेट्स हैं, तो ये ISI हेलमेट से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो इवन जो ये वाला हेलमेट है मेरा, ये करीबन मैंने इसको लिया था 2100 रुपये से। इस हेलमेट का रेंजिंग बहुत डिफरेंट वैरायटी टाइप का रेंज आता है, ये करीबन आपका 2100 से लेके लगभग 2800 या ऐसा ही कुछ तक जाता है, लगभग 3000 तक जाता है ये हेलमेट। और वाइड रेंज में मिल जाएंगे आपको, वाइड ग्राफिक्स के साथ मिल जाएंगे, आपका हाफ फेस्ट हेलमेट भी मिल जाएगा इसमें, फुल फेस्ट हेलमेट तो ये है ही, और इसमें और भी तरह के ग्राफिक्स आ जाएंगे। और एक स्पेशल एक एडिशन आया है जो कि आपका डे एंड नाइट का वाइज़र जो है, डे में भी काम आएगा, नाइट में भी काम आएगा, वैसा टाइप का भी एक नया इन्होंने एक वाइज़र निकाला है। एनीवेज, तो ये तो हो गया इस हेलमेट के बाद में। बाकी अब जो कर रहा हूँ मैं कंट्रोवर्सी की बात, वो कंट्रोवर्सी ऐसा है कि काफ़ी सारे लोग मान रहे हैं कि जो HJC है, सोल है, आपका शिफ्टर है और LS2 है, ये सब हेलमेट्स क्या है, ये आपका डॉट सर्टिफाइड या ECE सर्टिफाइड होते हैं या स्नेल सर्टिफाइड होते हैं। तो लोग क्या सोच रहे हैं कि ये हेलमेट्स भी गवर्नमेंट बैन कर दे रही है, बट सच बताओ तो ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट चाह रही है कि जो रास्ते में रेड़े में जो लोग हेलमेट्स बेचते हैं 700 रुपये 600 रुपये जो ये हेलमेट्स बेचते हैं, ये बहुत ज़्यादा अनसेफ हेलमेट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा घटिया रद्दी क्वालिटी के हेलमेट्स होते हैं वो। एक्चुअली इनमें कोई क्वालिटी होता ही नहीं है, उनका शेल कहीं और से बन के आ रहा है, उसका थर्मोकॉल कहीं और से है, पैडिंग वहीं पर चिपका रहे हो, वहीं पर बेच रहे हैं और लोग वहीं पर खरीदते हैं। यहाँ पर इंडिया में ज़्यादा सोच ऐसी है कि हेलमेट पहनना मतलब चालान से बचना है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब, आपकी खुद की जान बचती है हेलमेट पहनने से। सो अगर आप हेलमेट ले रहे हो तो नो डाउट आप बाइक में 60-70 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, एक 2200-2300 रुपए का हेलमेट नहीं खरीद सकते आप। तो ऐसा कुछ नहीं है, हेलमेट आपका ये हेलमेट ऐसा है, आप भले ही ISI हेलमेट है ये, लेकिन ये बहुत ही अच्छा हेलमेट है, बहुत स्ट्रांग हेलमेट है। आप बाकी अगर आप यकीन नहीं कर रहे, आप दूसरे यूट्यूबर्स के चैनल में आके इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट वगैरह सब उन्होंने करके देखा है, करीबन 4-5 मंजिले बिल्डिंग से इसको फेंक के उन्होंने देखा है, ये तभी भी नहीं टूटा है, बहुत अच्छा हेलमेट है, बहुत अच्छा शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रखता है ये इसका शेल। लेकिन जो आपका ECE हो गया, डॉट सर्टिफाइड हो गया, ये सब जो हेलमेट्स है, ये और भी ज़्यादा आपका हाई स्ट्रेंथ हेलमेट्स होते हैं और भी ज़्यादा हाई स्पीड जो व्हीकल्स होते हैं, और जैसे कि आपकी लीडर क्लास बाइक्स होती है, 650 cc एंड अबव की जो बाइक्स होती है, उनमें आपका ISI हेलमेट शायद ना सर्वाइव कर पाए, आपको बचाने के लिए शायद ना हेल्प कर पाए, लेकिन वो सारी हेलमेट्स कैपेबल होती है, वो उन सब स्पीड्स के स्पीड में अगर आप सभी सपोज कभी क्रैश कर जाते हैं तो उन सब का इम्पैक्ट झेलने लायक होती है वो हेलमेट्स, वो और भी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के होती है वो सब हेलमेट्स। तो ऐसा कोई ये मिथ है कि वो भी बैन हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी भी वो रिटेन रहेंगे ही, अभी तो उनका प्राइस भी ज़्यादा है, वो हेलमेट्स आपका करीबन 4000, 8000, 14000, 20000, even 40000, 80000 तक के भी हेलमेट्स आते हैं, वो सब जो आपका DOT ECE और स्नेल सर्टिफाइड हेलमेट्स होते हैं। बट हाँ, मुझ जैसे नॉर्मल कंप्यूटर बाइक चलाने वाले के लिए, नॉर्मल हम जो आम आदमी लोग होते हैं जो वो सब हेलमेट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन आप ऐसे हेलमेट्स भी ना खरीदिए जो कि एकदम ही घटिया क्वालिटी के हो। आपका अगर 30-40 कुछ भगवान ना करे आपका 30 या 40 के स्पीड में अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो कि मतलब आपका सर फूट जाए, वो हेलमेट आपको बचा ही ना पाए, ऐसी भी चीज़ें मत लीजिए।
मेरे को स्टील बर्ड ने कोई प्रमोशन के लिए कुछ दिया नहीं, कुछ भी नहीं किया है, बट एज अ जिम्मेदार नागरिक मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सो आप एक अच्छा हेलमेट खरीदिए, थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, 1-1.5 हज़ार और रुपए डालिए, लेकिन एक अच्छा हेलमेट खरीदिए, एक स्टैंडर्ड हेलमेट खरीदिए। होप सो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा दीजिए, और अगर कुछ सजेशंस देना है, कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बटन में या कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मेरा मनोबल बढ़ेगा, मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन होगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मेरे अभी 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 100 सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत बड़ा है। मुझ जैसे रूकी चैनल रूकी यूट्यूबर के लिए मैंने करीबन 1-1.5 महीना ही हुआ है खोला है यूट्यूब को, मैं उतना एक्सपर्ट हूँ नहीं। सो थैंक यू सो मच गाइज। और सो दोस्तों और क्या बोलना है, बस प्यार देते रहिए ताकि मैं और ज़्यादा ग्रो करूँ, आपके लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ पाऊँ। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डू शेयर सब्सक्राइब लाइक, और हो सके तो एक अगर आप सब्सक्राइब करते थे घंटी का बटन भी आता है, उस बेल आइकन को भी ज़रूर रिंग कर दीजिएगा ताकि अगर मैं जो भी नया वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। सो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।